हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक पेनी स्टॉक। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे मैं जनरली पेनी स्टॉक्स रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट आज ये जो स्टॉक है इसमें आप सरप्राइजिंगली देखेंगे FIIs एंड DIIs भी इन्वेस्टेड हैं, विच इज़ अ वेरी रेयर इंस्टेंस। एनी पेनी स्टॉक यू विल नॉट फाइंड एनी FIIs और DIIs गेटिंग इन्वेस्टेड इन दोज काइंड ऑफ कंपनीज़। तो समझते हैं कि ये कंपनी क्या है और ये क्या करती है। आप जैसा देख सकते हैं इस पिक्चर में भी, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे कि ये कुछ इनके प्रोडक्ट हैं और ट्राइडेंट ग्रुप की कंपनी है ये। तो ट्राइडेंट लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं और हम समझते हैं कि कंपनी के बारे में थोड़ा सा कि कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सेलिंग में है, टेक्सटाइल्स में। बेसिकली यार्न ये मैन्युफैक्चर करती है, टेरी टाउल्स, बेडशीट्स, एंड उसके अलावा इनका पेपर एंड केमिकल का भी बिजनेस है। दे आर हेडक्वार्टर्ड इन लुधियाना एंड इनके जो चेयरमैन, फाउंडिंग मेंबर, फाउंडर चेयरमैन है मिस्टर राजेंद्र गुप्ता। ही इज़ द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। ही हैज़ स्टार्टेड दिस कंपनी इन 1990 एंड उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छे से ग्रो करी ये कंपनी और उसकी पूरी जर्नी हम समझेंगे आगे भी। तो ये एक लीडिंग इंटीग्रेटेड होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द इंटायर वर्ल्ड। दे हैव अ रिनोन्ड नेम इन होम टेक्सटाइल सेगमेंट। ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं टेरी टाउल्स के इन द वर्ल्ड एंड दे आर द वन लीडिंग यार्न प्रोड्यूसर इन इंडिया एज वेल। तो ये लोग इसके अलावा लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ टेरी टाउल कैपेसिटी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन होम टेक्सटाइल स्पेस इन इंडिया ऑल्सो। दे हैव दीज एकोलेट्स विद देम। दे आर अमंग्स द की लिस्टेड प्लेयर्स इन इंडिया। दे आर हैविंग द हाइएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन्स इन द इंटायर स्पेस। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि बहुत ज़बरदस्त ऑपरेटिंग मार्जिन पे ये काम करते हैं, बिकॉज दे हैव बोथ इन बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एज वेल। अब हम समझते हैं इनके प्रोडक्ट लाइन के बारे में। इनका जैसे मैंने बताया, यान में ये प्रेजेंट हैं, बाथ लिनन में प्रेजेंट हैं, जहाँ पे कि बाथ लिनन में आपने देखा होगा स्पाइन होटल्स में जो बाथ लिनन यूज़ होता है वो इनका प्रोडक्ट होता है इस तरह का। इसके अलावा ये बेड लिनन में इनका काफ़ी अच्छी पकड़ है और पेपर में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो पेपर भी काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स ये बनाते हैं, तो आप ये पूरा देख सकते हैं कि किस किस तरह की कैटेगरीज में अवेलेबल हैं। तो ये इनके प्रोडक्ट लाइन हो गया। अब हम इनकी प्रेजेंस समझते हैं। तो ये ग्लोबली प्रेजेंट है, दे हैव अ ग्लोबल फुटप्रिंट इन मोर देन 100 कंट्रीज इन 6 कॉन्टिनेंट्स। तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है जियोग्राफिकली ऑल्सो। इनका होम टेक्सटाइल का बिजनेस प्रेजेंट है ऑलमोस्ट 33 कंट्रीज़ में, यान का बिजनेस प्रेजेंट है मोर देन 36 कंट्रीज़ में, एंड पेपर का प्रेजेंस है, पेपर ये सेल करते हैं इन 54 कंट्रीज़। तो काफ़ी अच्छे से अपने को ये जियोग्राफिकली भी डाइवर्सिफाई किया हुआ है इन्होंने, और किसी भी एक जियोग्राफी पर ये डिपेंडेंट नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइलस्टोन्स। तो इनका टेक्सटाइल बिजनेस से इन्होंने शुरुआत अपनी की थी, जो कि 1990 में इन्होंने शुरुआत करके पहला स्पिनिंग यूनिट फैसिलिटी सेटअप की थी। 1990 से 95 इन्होंने इसी पे काम किया। उसके बाद 96 से 2000 के बीच में इन्होंने दे हैव एंटर्ड इनटू होम टेक्सटाइल विद फर्स्ट टॉवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दे हैव ऑल्सो सेटअप स्पिनिंग यूनिट टू एज वेल। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, इनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी इन्होंने बढ़ाया। 2001 से 5 के बीच में इन्होंने टॉवल बिजनेस में थोड़ा सा अपना फोरे करने के बाद अपना बिजनेस भी बढ़ाते गए एंड यूनिट टू भी सेटअप की, एंड इसी के अलावा स्पिनिंग का यूनिट थर्ड सेटअप कर दी। तो इसी तरह से ये जो है स्पिनिंग मिल्स भी बढ़ाते रहे सब्सिक्वेंटली। इसके अलावा 2006 से 10 में अगर देखते हैं तो टॉवल यूनिट थर्ड इन्होंने सेटअप की और स्पिनिंग यूनिट्स भी 4, 5, 6, 3 यूनिट्स इन्होंने सेटअप की इन 4 सालों में। इसके अलावा 2011 से 16 देखते हैं तो इन्होंने टॉवल यूनिट 4 सेटअप की एंड फर्स्ट बेड लिनन यूनिट भी सेटअप की इन्होंने, एंड स्पिनिंग यूनिट्स भी इन्होंने 7, 8, 9, 10, सो ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स इनके पास आज की तारीख में है। इसके अलावा इन्होंने टेक्सटाइल ब्रांड भी अपने लॉन्च करने शुरू किए 2011 से 16 के बीच में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेपर बिजनेस। पेपर बिजनेस इन्होंने शुरू किया 2001 में, जहाँ पर कि इन्होंने पेपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अलॉन्ग विद द कैप्टिव पावर ये इन्होंने एक्वायर किया, एंड उस एक्विजिशन के बाद इन्होंने पेपर इंडस्ट्री में भी अपने कदम रखे। उसके अलावा 2006 से 10 में इन्होंने पेपर यूनिट 2 सेटअप की, कैप्टिव पावर फैसिलिटी को भी सेटअप किया अपना
रोबस्ट किया है इन्होंने पावर, कैप्टिव पावर यूनिट को भी। 2011 से 16 के बीच में इन्होंने पेपर ब्रांड्स अपने लॉन्च कर दिए। अब इनका थोड़ा सा देखते हैं कि रेवेन्यू का ग्रोथ कैसी रही है। तो 1995 में ये कुछ 47 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करते थे। 20% कैगर से ये लोग ग्रो करते करते 2000 में 294, और इसी तरह से आज की तारीख में 2020 में 4,724 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया था। थोड़ा डिप आपने ज़रूर देखा होगा। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो इन्होंने अपनी को ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम प्योर प्ले ऑफ यार्न प्लेयर टू इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड पेपर मैन्युफैक्चरर ऑल्सो। तो बहुत अच्छे से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सीफाई किया। सेगमेंटल रेवेन्यू देखते हैं तो सेगमेंटल रेवेन्यू जो इनका बाथ एंड बेड लिनन है वो 49% था 2017 में, जो कि अब बढ़ के हो गया 54%। यान का जो जो रेवेन्यू आता था 33% 2017 में, उसमें थोड़ा सा कम हुआ है 26%। तो ये हाई मार्जिन बिजनेस है, वहाँ पे इन्होंने अपना ज़्यादा फोकस किया है। पेपर में 18% था जो कि अब 20% हो गया है। तो अच्छे से अपने को ये फोकस्ड वे में अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप भी देखते हैं तो इंडिया से जो टोटल रेवेन्यू आता है वो उसका 41% इंडिया से आता है, 33% यूएस से आता है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 26% आता है। तो ज्योग्राफिकली काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच है इनकी और काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू फंडामेंटल थिंग्स एज वेल। सो मार्केट कैप आप जैसे देख सकते हैं कुछ 4,700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 9.20 रुपये पे ये बंद हुआ है कल मार्केट में। हाई लो भी देखते हैं तो 9.84 एंड 3.05, तो काफ़ी अभी एकदम अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास पहुंच चुका है। प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं तो 24.3, वेयर इज़ इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 13.3, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा हाईली प्राइज्ड हो चुका है। बुक वैल्यू 6.29 और बुक वैल्यू के हिसाब से प्राइस टू बुक 1.46 टाइम्स मिल रहा है ये। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लगता है, बट क्योंकि इंडस्ट्री में जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो उसके हिसाब से काफ़ी स्टॉक भाग भी चुका है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो अमेजिंग 3.91% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि पेनी स्टॉक में बहुत ही रेयर होता है। नॉट इवन ब्लू चिप शेयर्स में भी इतना ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड नहीं होता है, और एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी है। आरओसीई 10% के ऊपर है, बहुत अच्छी नहीं है, 15% के ऊपर मैं आरओसीई को अच्छा बोलता हूँ, बट फिर भी विद अ पेनी स्टॉक व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट। आरओई भी देखते हैं तो 11.3% है, विच इज़ डिसेंट। फेस वैल्यू 1 है और इसीलिए ये पेनी स्टॉक हो गया है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, बिकॉज ये पहले 10 फेस वैल्यू था, उसको ब्रेकअप करके 1:10 कर दिया है। इन प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो 71.8%, विच इज़ लाइक अ फिनोमिनल होल्डिंग बाय द प्रमोटर्स, एंड दी इट शोज़ अ कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रमोटर इन द बिजनेस एज वेल। अगर आप इसका प्लेज परसेंटेज देखते हैं तो कोई प्लेज नहीं है, जबकि दिग्गज कंपनियों में भी आपको प्लेज परसेंटेज दिखेगी, और इसी वजह से ये पेनी स्टॉक होते हुए भी मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू रखता है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो 0.28, विच इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। 4,700 करोड़ का मार्केट कैप होने के बावजूद भी रिजर्व्स देखते हैं तो 2,700 करोड़ का काफ़ी ज़बरदस्त इसका रिजर्व्स हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हालांकि कम है 3.75, बट डेट टू इक्विटी इन्होंने काफ़ी अच्छे से कर्टेल डाउन किया है, इसी वजह से इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा मैं अवॉइड भी कर सकता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स इन द कंपनी। प्रोज में देखेंगे तो कंपनी हैज़ रिड्यूस द डेट, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड इंडिकेशन। स्टॉक हैज़ शोन अ डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.91, विच इज़ अमेजिंग स्टफ विद अ कंपनी लाइक दिस। इन्होंने अपना काफ़ी हेल्दी डिविडेंड पे आउट रखा हुआ है, जो कि 40.34% है। डेटर डेज भी इन्होंने इम्प्रूव किए हैं फ्रॉम 34.62 डेज टू 21.26 डेज। तो डेटर डेज काफ़ी अच्छे से कर्टेल डाउन किया है इन्होंने। प्रमोटर होल्डिंग भी इंक्रीज़ हुई है 0.77% ओवर लास्ट क्वार्टर। तो प्रमोटर अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा कोई इंडिकेशन हो नहीं सकता। कॉन्स की बात कर लेते हैं तो अगर आप कंपनी का देखेंगे तो ग्रोथ कोई इतनी ग्रेट नहीं है, पुअर ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स का, ऑलमोस्ट 5% के आसपास। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.30% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15% 20% होती तो बहुत अच्छी होती। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है उसमें थोड़ा सा इनको और ये अगर पे आउट कर देते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी कम हो जाएगी, और इसी वजह से इसको ये लोग अपना इंटरेस्ट बर्डन भी कम कर रहे हैं, तो मतलब डेट को कम कर रहे हैं।
क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं और इसमें आपको देख के लगेगा कि हाँ ये कंपनी ठीक ठाक कर रही है। अगर आप जून 2018 में देखते हैं तो 1136 करोड़ की सेल्स थी, वो 1400 हुई, 1300 हुई, 1400, 1300, 1350, 1991। तो सेल्स क्योंकि नंबर गिरते चले गए और इसी वजह से शेयर का प्राइस भी गिरता चला गया। बट अभी अगर आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर में तो इन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी ग्रोथ दिखाई है और 1174 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया है। एक्सपेंसेस भी इसी तरह से इसी रेशियो में बढ़ते घटते रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट हाउएवर अगर आप देखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट इनकी थोड़ी सी कम हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर ऑल्सो, एंड अगर लास्ट ईयर से भी कंपेयर करते हैं तो 42, 45, 43% के आसपास मटेरियल कॉस्ट है, विच लास्ट ईयर वॉज अराउंड 46%। एम्प्लॉय कॉस्ट भी इनकी थोड़ी सी कम हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, तो उसी वजह से अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक हुआ है 230 करोड़ का। इसके अलावा अगर आप इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो 139 करोड़, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। हाउएवर लास्ट वाई ओ वाई अगर देखते हैं तो उतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। आई थिंक एवरी बिजनेस हैज़ बीन इम्पैक्टेड एंड दे आर ऑल्सो इम्पैक्टेड प्रीटी ह्यूजली, बट स्टिल दे हैव मैनेज्ड क्वाइट वेल। बिकॉज आप अगर देखेंगे तो इनके बाथ लिनन एंड ऑल दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट रेंज हैज़ एक्चुअली इज़ एक्चुअली यूटिलाइज बाई ऑल दीज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड ऑल दोज अदर क्लाइंट्स, बट जो कि बहुत ही कम हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 106 करोड़ का नेट प्रॉफिट क्लॉक किया है जो कि लास्ट ईयर 140 करोड़ था, बट आई थिंक वी नीड टू गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट बिकॉज ऑफ कोविड, सो आई थिंक वो एक चीज़ दे सकते हैं। बट स्टिल लाइक एविडेंट है कि ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हुई है, 10 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ गया है लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं पिछले 10-12 साल में, तो आप अगर सेल्स के नंबर देखेंगे तो 1000 करोड़ का 2008 में ये लोग सेल्स करते थे, जो कि अब मार्च 2020 में बढ़ के 4728 करोड़ हो गया है। और अभी भी अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल्स की बात करते हैं तो 4000 करोड़ के आसपास है, जबकि इसमें 2 क्वार्टर बिकॉज ऑफ कोविड ये इम्पैक्टेड क्वार्टर्स हैं। स्टिल लाइक दे आर शोइंग अ वेरी गुड शो एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात भी करते हैं तो 134 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, और यहाँ पे मार्च 2020 में थोड़ा सा कम हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी बात करेंगे तो बीच में लॉसेस में भी ये कंपनी आई है, बट उसके बाद बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है इन्होंने, और मार्च 2019 में 550 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स शो किया है। सिमिलर इज़ द केस विद नेट प्रॉफिट ऑल्सो। 2019 मार्च वॉज द अमेजिंग ईयर फॉर देम एज वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैलेंस शीट। अगर आप बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बोरोइंग्स इनकी आप देख सकते हैं, 1310 करोड़ थी 2008 में, और 1557 करोड़, 1700, 2200, 3500 करोड़ तक इनकी बोरोइंग्स बढ़ी। बट 2016 से इन्होंने अपना जो डेट है वो कम करना शुरू किया, और अभी आप देख सकते हैं 2400, 1900 और अभी 895 करोड़ के आसपास इनका डेट खड़ा है। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपना डेट को कर्टेल डाउन कर रहे हैं, बिकॉज़ एज़ यू नो लाइक मैंने आपको फ्यूचर ग्रुप की पूरी कहानी बताई थी, इसी तरह से मैंने आपको आलोक इंडस्ट्री की कहानी बताई थी। ये सभी कंपनीज़ डेट के चक्कर में ही कंपनियां बंद होने के कगार पे या बिकने के कगार पे आ गई। तो द पॉजिटिव साइन फ्रॉम दिस बैलेंस शीट इज़ कि इन्होंने अपना डेट को अल्टीमेटली कम करना शुरू कर दिया है और अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, और अभी 1000 करोड़ के भी नीचे अपना डेट ले आए हैं। अब अगर हम कैश फ्लोज़ की बात करते हैं तो कैश फ्लोज़ भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से मार्च 2020 में 1214 करोड़ का इन्होंने कैश जनरेट किया था। हाउएवर इन्वेस्टमेंट में इनके अभी चालू हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जैसे डिविडेंड या कुछ और पे आउट करते हैं तो उसमें 862 करोड़ का इन्होंने कैश बर्न किया। और उसके बाद अगर नेट कैश फ्लो की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा, अगर आप पिछले 10 साल 12 साल में देखेंगे 309 करोड़ का इन्होंने कैश जनरेट किया है, विच इज़ अ फिनोमिनल नंबर अगेन। कुछ रेशियोज़ की बात करते हैं तो लिक्विड असेट्स जो इनके पास अभी हैं वो 831 करोड़ के लिक्विड असेट्स हैं, और अगर आप करंट लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो करंट लाइबिलिटीज़ इनके पास कुछ 1693 करोड़ की है। करंट रेशियो अगर आप देखते हैं तो 1.03 इज़ अ गुड नंबर, एक के ऊपर कुछ भी है तो करंट रेशियो इज़ वॉट करंट असेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़, तो उस हिसाब से देखेंगे तो असेट्स ज़्यादा हैं लाइबिलिटीज़ कम है, तो ठीक है।
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है मार्च 2020 में, मतलब थोड़ा सा इनका डेट भी कम हुआ है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कम हुआ है। डेट टू इक्विटी 0.66, बट अब तो और भी कम हो गई है सितंबर क्वार्टर में। ज़बरदस्त तरीके से अपना डेट इक्विटी कम करते जा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो आपने देखा है दिसंबर 2017 में प्रमोटर की होल्डिंग 67.77% थी। वो वहाँ से धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं अपनी प्रमोटर होल्डिंग और कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं। आप अगर देख सकते हैं तो 67.77% से बढ़ा के आज 71.84% हो गई है। तो अभी इन्होंने सितंबर क्वार्टर में भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इसी तरह से FIIs अमेजिंगली आप देख सकते हैं कि FIIs का भी इसमें होल्डिंग था 1.6 3 4 5 2%, 2.25%, 2.17%, और अभी भी इनकी 1.60% FIIs की भी होल्डिंग है इस कंपनी में। इसमें DIIs की भी होल्डिंग है, हावेवर बहुत छोटा चंक रह गया है DIIs का। उसके अलावा गवर्नमेंट की होल्डिंग है 0.92% और पब्लिक के पास इनकी इनकी ऑलमोस्ट 25-26% पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो उस इस लिहाज से देखते हैं तो कोई भी पेनी स्टॉक में आपको FIIs और DIIs जनरली नहीं देखने को मिलेंगे। तो उस लिहाज से भी आप इस पर अपना भरोसा जता सकते हैं। नाउ लेट्स क्विकली सी द स्टॉक ऑन द चार्ट एज वेल कि कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। तो ये मैं आपको लेके आया हूँ अपने चार्ट चार्ट पर, और ये डेली का मैंने चार्ट लगाया है आपके लिए। और आज आप देख सकते हैं फ्राइडे को ये 9 रुपीज़ 20 पैसा पर बंद हुआ है। ये जो मैंने पहली रेड लाइन लगाई है, ये लगाई है कुछ 8 रुपये 50 पैसे, 8 रुपये 40 पैसे के आसपास। ये इसका पहला जो है सपोर्ट बोल सकते हैं। तो आपको अगर वहाँ मिलता है तो आप थोड़ा सा लें। उसके बाद अगर ये उसके बाद भी नीचे आ जाता है तो इसका जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो है 7.5 रुपये के आसपास। तो वहाँ पे अपना ये धीरे धीरे करके आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज़ अभी काफ़ी तेज़ी से ये ऊपर गया है और थोड़ा सा ही नीचे आ भी सकता है। एंड इसके अलावा अगर हम चार्ट पे देखते हैं तो इसने एक पैटर्न भी शो किया है जो कि बोलते हैं हम शूटिंग स्टार पैटर्न। तो शूटिंग स्टार पैटर्न की वजह से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। और अगर हम 4 आवर्ली के चार्ट पर भी देखते हैं तो इसमें भी आप बेरिश हैरामी पैटर्न देख सकते हैं। तो उस दोनों ही पैटर्न नेगेटिव पैटर्न है। और RSI भी एकदम अभी इस टाइम पर 70 के आसपास पहुंच चुका है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बाई। थोड़ा सा इसको स्टीम को नीचे स्टीम को निकल जाने दीजिए इस स्टॉक में से, और तब उसमें आप एंट्री कीजिएगा। अभी एकदम से तुरंत एंट्री ना कीजिए। तो ये मेरा कहना है कि इसमें अभी जो चाल आई है उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे 8.5 रुपये के आसपास आए तो वहाँ पे लेना शुरू करना चाहिए किसी को भी। इसके अलावा अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है मार्केट में, आपको पता ही है मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप मुझे ट्विटर पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली कोई कॉल्स नहीं देता स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मेरे को हर हफ्ते में 2 कॉल 3 कॉल मेरे को जो अच्छे शेयर लगते हैं जहाँ पर कि हम बाई कर सकते हैं वो मैं जनरली शेयर शेयर करता हूँ, और वो 5% से 10% के बीच में रिटर्न ज़रूर उसमें मिल जाते हैं। जैसे मैंने भी लास्ट नालको का शेयर स्टॉक जो शेयर किया था वहाँ पर मैंने 41 रुपये के आसपास शेयर किया था, 43 रुपये कल जाके फिर नीचे आया है। तो ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए 4-5% का स्विंग ट्रेडिंग के आपको टारगेट मिल गया होगा। इसी तरह से लॉरस, यूपीएल, यूपीएल तो चलना शुरू हुआ जब मैंने आपको शेयर का स्टॉक बताया था, उस वक्त 420 रुपये के 417 रुपये के आसपास मिल रहा था और अभी 455 रुपये के आसपास हो चुका है शेयर। इसी तरह से काफ़ी सारे मैंने शेयर अपने ट्विटर पर शेयर किए थे और टेलीग्राम पर भी शेयर किए हैं, तो आप दोनों में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो आप क्विकली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिखा दे रहा हूँ, उसके थ्रू अगर आप खुलवाते हैं अपना डीमैट अकाउंट तो फिर देन यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली फॉर एनी क्वेरीज। आई विल सपोर्ट यू इन टर्म्स ऑफ योर स्टॉक पिकिंग एंड योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज वेल। उसके लिए सिर्फ आपको करना क्या होगा, डीमैट अकाउंट खुलवाना है एंजल ब्रोकिंग में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इन केस यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल, एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।